रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक और अल्लाह ताला आपको रखे अपने ईमान में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी गाजर की खीर, जो बनेगी झटपट और बनेगी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। और चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके लिए गाजर खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से हैं। 4 किलो है मेरे पास दूध और 1 पाव है मैंने चीनी ली है, 1 पाव मैंने चावल लिए हैं और ये तकरीबन आधा किलो के करीब ये गाजर होगी जो जिसको मैंने क्रश किया है। और मेरे पास है जी गिरी है, सौगी है, बादाम है और नीचे इसके छुहारे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने, चावल मैंने दूध बॉयल कर लिया। मैं सबसे पहले डालूंगी जी चावल। ये चावल को मैंने दूध में भिगोना है तकरीबन 2-3 घंटे, मैंने ऐसे ही इसे भीगे रहने देना है। फिर मैंने इसको, मैं इसका चूल्हा जलाऊंगी मैं, ठीक है। और इसके साथ मैं डाल दूंगी गिरी, बादाम, जस्ट मैंने सौगी नहीं डालनी क्योंकि सौगी जो दूध ख़राब कर देती है उसमें खटास होती है। बकाया सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही डाल देनी है इसके अंदर। अच्छा जी, गिरी और मैंने छुहारे डाल दिए हैं। बादाम का मैं छिलका उतार के डालूंगी, अभी डालूंगी मैं। और जो सौगी है वो जब मैं 2-4 बॉयल आ जाएंगे खीर को तब मैं डालूंगी ताकि ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये रात को मैंने चावलों को भिगोया था, अब मैं सुबह इसकी बनाने लगी हूँ खीर। गर्म दूध में मैंने भिगोया था ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। अब मैं इसमें ये जो छुहारी और गिरी डाली थी ये मैंने अब निकाल के इसकी कटिंग की है और दूध में भी इसका अच्छे से टेस्ट आ गया। अब मैं सारा साथ ही डाल दूँगी और अब मैंने तकरीबन इसको गाढ़ा होने तक पकाना है और थोड़ी देर बाद मैं डालूँगी इसमें गाजर। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट पका लिया जी। अब मैं इसमें डालूँगी गाजर, गाजर डाल के मैं इसको पकाऊंगी। तो मैं ये डिब्बे वाला दूध डालूंगी, तकरीबन 1/2 किलो डालूंगी, 2 डिब्बे डालूंगी 1-1 पाव वाले। हाँ, ये मैंने 15 मिनट खीर पकाई है, ये हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी दूध डिब्बे वाला, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके चीनी, ये डब्बे वाला दूध मैंने डाल दिया। मैं साथ डाल दूँगी इसके चीनी। ये चीनी मैंने थोड़ा सा लाइट मीठा रखना है इसलिए मैंने इतनी डाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और जस्ट मैंने इसको 5-4 मिनट पकाना है ताकि चीनी का पानी वो खुश्क हो जाए। तो ये हमारी खीर होगी ये बिल्कुल रेडी। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस खीर को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। तकरीबन इसको टोटल 25 मिनट लगे हैं खीर को तैयार होने में। आपने चावल गर्म गर्म दूध में दूध भिगोने हैं, बेशक 4 घंटे भिगोएं, 3 घंटे भिगोएं, चाहे पूरी एक रात, तो ज़बरदस्त खीर का टेस्ट भी अच्छा बनता है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। खीर हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी और अब हम डिश आउट करेंगे इसको। गाजर की खीर हमारी हो गई है रेडी, ज़बरदस्त और टेस्टी। और मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत टेस्टी जी, ज़बरदस्त। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा हौसला अफज़ाई ज़रूर करें और इसको ज़रूर ट्राई करें।